वर्षांत समीक्षा 2022 में एक बार फिर से हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सहकारिता मंत्रालय के बारे में। देखा जाए सहकारिता मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2022 के अपनी यहाँ पर देखिए एक वर्षांत समीक्षा प्रस्तुत की गई है और इसके तहत जो भी प्रमुख यहाँ पर बिंदु हैं हम उनको एक एक करके इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण विषय है, पहला तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह गुजरात के भरूच में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ मिलकर के सहकारी शिक्षण भवन की यहाँ पर आधारशिला रखी गई 3 जून 2022 को। और इस भवन का जो उद्देश्य है इसके माध्यम से शिक्षित लोगों को शिक्षित करना है और साथ ही साथ देखा जाए तो सहकारिता क्षेत्र की बुनियादी बातों ज्ञान और महत्व को भी यहाँ पर इसमें दर्शाया जाएगा। भरूच जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक के इस प्रशिक्षण केंद्र के बन जाने के बाद यहाँ मंडलों के कामकाज के लिए कंप्यूटर लैब, सहकारी पुस्तकालय और सामान्य ज्ञान केंद्र भी इसे बना दिया जाएगा। कैबिनेट के प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को देखा जाए तो यहाँ पे मंजूरी दी गई और इसके तहत अगर आप देखें तो 2516 करोड़ रुपए के कुल बजट के परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक PACS को कंप्यूटरीकृत इसमें किया जाएगा। लगभग 13 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा, अधिकांश छोटे और सीमांत किसान जिसमें शामिल है। इसके माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता यहाँ पर वृद्धि होगी, भरोसा बढ़ेगा और साथ ही साथ पंचायत स्तर पर नोडल वितरण सेवा केंद्र के तौर पर इन्हें मदद कर भी करेगा। इसके मुख्य घटक डेटा भंडारण, साइबर सुरक्षा, हार्डवेयर, मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, रख रखाव और प्रशिक्षण के साथ यहाँ पे क्लाउड आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए तो यहाँ पे RBI के ने 8 जून 2022 को सहकारिता क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले यहाँ पर किए हैं, तो उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर फैसले आए हैं। पहला देखिए, शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा यहाँ पर Tier 1 UCV के लिए 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए यहाँ पर कर दी गई है। Tier 2 के लिए यहाँ पर 70 लाख से बढ़ाकर 1.40 करोड़ रुपए। ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए क्रमशः 20 लाख रुपए और 30 लाख रुपए को दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 50 लाख और क्रमशः 75 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया। दूसरी जो घोषणा की गई है, ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक रियल दूसरे ग्रामीण RBI बैंकों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट आवासीय गृह में उधार देने की यहां पर अनुमति दी गई है। तीसरा देखिए यहां पर शहरी सहकारी बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर अपने ग्राहकों के घर पर ही बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की इसमें अनुमति प्रदान की गई है। यह निर्णय सहकारी बैंकों को लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के दृष्टिकोण से यहां पर सहकारी बैंकों के विकास के एक नया आयाम को भी प्रदान करेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्रीय बजट में सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 900 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया। 2021-22 के बजट के प्रावधान का लगभग यह 2.5 गुना है। सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो 12-13 अप्रैल 2022 को यहाँ पर हुआ, सम्मेलन में देखे तो 6 महत्वपूर्ण विषयों को संचरित किया गया, जिसमें न केवल सहकारिता की पूरी यहाँ पर व्यवस्था को शामिल किया गया बल्कि उनके व्यवसाय और शासन के सभी पहलुओं को भी इसमें शामिल किया गया। जो विशेष में शामिल किया गया उसमें वर्तमान कानूनी ढांचा, विनियामक नीति की पहचान, परिचालन संबंधी बाधाएं, उन्हें दूर करने या हटाने आवश्यक उपाय जिससे व्यवसाय करने में आसानी हो, सहकारी समितियों और अन्य आर्थिक संस्थाओं को एक समान यहाँ पे अवसर प्रदान करने को यहाँ पे प्राथमिकताएं दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो सहकारी सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य भागीदारी में वृद्धि, पारदर्शिता, नियमित चुनाव, मानव संसाधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने, खाता रखने, लेखा परीक्षा सहित शासन को मजबूत करने की दिशा में यहाँ पर सुधारों की बात की गई। तीसरा जो पहलू इसमें शामिल किया गया है कि बुनियादी ढांचे और इक्विटी आधार को मजबूत बनाने, पूंजी तक पहुंच, गतिविधियों का विविधीकरण, उद्यमशीलता, ब्रांडिंग को बढ़ावा देना, विपणन व्यवसाय योजना का विकास करना, नवाचार, प्रौद्योगिकी अपनाने और निर्यात द्वारा बहु सरकारी जीवंत आर्थिक संस्थाओं को मजबूत करना, मजबूत बनाने पर बल दिया गया। चौथा पॉइंट इसमें शामिल किया गया, प्रशिक्षण, शिक्षा, ज्ञान साझा करना, जागरूकता निर्माण, सहकारिता को मुख्य धारा में शामिल करना, प्रशिक्षण को उद्यमिता से जोड़ा जाना, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों को भी इसमें शामिल करना है। पांचवी चीज, नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, मृत सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, सदस्यता बढ़ाना, सामूहिक रूप से औपचारिकता को बढ़ाना और सतत विकास के लिए सहकारी समितियों का यहाँ पर विकास करना, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और नए क्षेत्रों की खोज करना यहाँ पर पांचवें विषय के तौर पर इसमें शामिल किया गया। और छठा और जो अंतिम विषय इसमें शामिल किया गया है, सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक सहकारिता और सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ावा देना शामिल रहा। इसके बाद
GEM प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो सहकारी समितियों एक पारदर्शी कुशल और आर्थिक खरीद प्रणाली की दिशा में यहाँ पर कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर खरीदारों के रूप में सहकारी समितियों के पंजीकरण को इसमें मंजूरी दी है। इसमें सहकारी समितियों के एक ही मंच पर 45 लाख से अधिक विक्रेताओं तक पहुंचने और एक पारदर्शी अधिक कुशल खरीद प्रणाली का पालन करने में से सक्षम बनाएगा। 9702 उत्पाद श्रेणियों, 279 सेवा श्रेणियों में लगभग 54 लाख उत्पाद सूचीबद्ध हैं और 2021-22 के वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित यहां पर बचत भी हुई है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का यहाँ पे मसौदा तैयार किया है और इसमें देखा जाए तो इसके लिए एक समिति को गठन की करने की बात की गई है और इसके 47 सदस्यीय समिति का जो गठन है वो श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में यहाँ पर किया गया है। इस समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, सचिव सहकारिता क्षेत्र के, राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, केंद्रीय मंत्रालय विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति इसमें तैयार की जा रही है। इसके साथ साथ MSCS विधेयक 2022 वो भी देख लेते हैं क्या है। तो बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य बहुराज्य सहकारी समितियों संशोधन की राज्यों में आपको देखा जाए का यहाँ पर देखा जाए उद्देश्य जो है बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन 2022 में गवर्नेंस को मजबूत करना है, पारदर्शिता बढ़ाना है, जवाबदेही बढ़ाना है, चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसमें 97वें संविधान संशोधन किया गया और उसके प्रावधान के तहत मौजूदा कानून को बहुराज्य सहकारी समितियों के संशोधन अधिनियम 2022 में यहाँ पे संशोधन किया गया है। इसे मंजूरी फाइनली 20/12/2022 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है। अब इसे यहाँ पे संशोधन होने के बाद इसकी समीक्षा करने के बाद आपको देखना होगा इसे कब से लागू किया जा रहा है। इसके बाद 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर NCUI द्वारा आयोजित समारोह, सहकारिता मंत्रालय और NCUI द्वारा संयुक्त रूप से 4 जुलाई 2012 को विज्ञान भवन में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया, जिसमें अमित शाह ने भविष्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी और व्यावसायिकता के साथ आधुनिक बनाने पर जोर दिया। तो ध्यान रखना है कब हुआ है, 4 जुलाई 2022 को। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड यानी क्रिभ को हजीरा की बायो एथेनॉल परियोजना की आधारशिला रखी, जो सूरत सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते समय 14 सितंबर 2022 को। क्रिभ को जो है वो बायो एथेनॉल परियोजना का उच्च प्रोटीन पशु चारा है, मत्स्य पालन पोल्ट्री के लिए कच्चे माल भी यहाँ पर यह उपलब्ध कराएगा, जिससे इन क्षेत्रों को यहाँ पे अत्यधिक लाभ होगा। इसके साथ साथ 20 यहाँ पे अगला देखिए तो NCDFI ने 7 अक्टूबर 2022 को सिक्किम में दुग्ध संघ सहयोग से गंगटोक सिक्किम में सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव का भी यहाँ पे आयोजन किया गया। रजिस्टर्ड सहकारी समितियों की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुबंध के संबंध में IT अधिनियम 1961 की धारा 269ST के खंड सी का भी यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है। धारा 269ST में कहा गया है कि सहकारी समितियों के संबंध में बैंक खाते के माध्यम से अकाउंट पेई चेक या अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग के अलावा अन्य तरीकों से करीब 2 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि यहाँ पे प्रतिबंधित है। संपूर्ण विश्व की 30 लाख सहकारी समितियों में से 9 लाख सहकारी समितियां भारत में और देश की अवधि के लगभग 91% गांव किसी न किसी रूप में सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं। देखा जाए इसके माध्यम से सहकारी समितियां देश की 70% किसानों को यहां पे कवर करती हैं और सहकारी समितियों में पारदर्शिता लाने के लिए देश भर में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 63,000 PACS का कंप्यूटरीकरण भी यहां पर आपको किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने यहां पर सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत जो भी एक साल के प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं उसको यहाँ पर देख लिए हैं। काफी सारे यहाँ पर देखिए डेटा है, योजना गतिविधियां हैं, सम्मेलन है, उद्घाटन है, संस्थाएं हैं या समितियों की स्थापना करनी है, ये सभी चीजें कहाँ पर किसके द्वारा की गई हैं, सम टाइम यहाँ पर से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए करंट घटनाक्रम का जितने अच्छे और जितना डिटेल और जितने वास्तव तरीके से आप पढ़ें वो उतना ही यहाँ पर अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और मंत्रालय विभाग के वार्षिक समीक्षा को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।